गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। एक्चुअली जो रेलवे का आपने ये जो वायर्स देखे होंगे, जिससे ट्रेन से अपने लोको है जो अपना करंट लेता है, इसको ओवर हेड इक्विपमेंट OHE बोलते हैं। इनके अंदर 25 kV का वोल्टेज होता है, मतलब कि 25,000 वोल्ट। तो होता क्या है कि जब इसके अंदर से इतना हाई वोल्टेज जाता है, तो उसके कारण जो भी नीचे कोई भी मेटालिक चीज़ है, जैसे नीचे ये पटरियां हैं या अंडरग्राउंड कोई भी केबल है या कोई भी लॉन्गिट्यूडिनल मटेरियल है, तो उसमें म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होता है और एक इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा होता है, जिसको आप अभी छुएंगे तो आपको झटका लगेगा। झटका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए आप कभी भी स्टेशन पे जाओगे तो आप एक चीज़ महसूस करोगे कि हर चीज़ को अर्थिंग किया जाता है। ये देखिए, ये मस्ट को अर्थिंग किया है, हर चीज़ को अर्थिंग किया जाता है ताकि झटका ना लगे। अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए आया था, तो एक्चुअली मैंने एक इफ़ेक्ट महसूस किया। ये चेयर है, ग्रेनाइट लगा हुआ है, इसके ऊपर से ये लाइन है, OHE का लाइन है। तो जब हम इसको टच कर रहे हैं लाइक दिस, तो हल्का झटका लग रहा है मेरे हाथ को। इंड्यूस्ड वोल्टेज पैदा हो रखा है ग्रेनाइट के अंदर। अब कुछ लड़के कहेंगे कि ग्रेनाइट तो इंसुलेटर होता है, हाई इंड्यूस्ड वोल्टेज पे इंसुलेटर भी कंडक्टर का काम करते हैं। और जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ, अभी मैं इसके ऊपर बैठ गया, बैठने के बाद अब क्योंकि मेरी बॉडी मेरे पैर नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज अर्थ हो गया, अब मेरे को झटका नहीं लग रहा। और जैसे ही मैं खड़ा हो रहा हूँ तो झटका लग रहा है, और ये हमारा ट्रेन चला गया। थैंक यू।